अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की हमारी रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता। तो मैंने सोचा इस बार मैं आप लोगों को वॉइस ओवर कर दूँ। तो जी चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपने देखा मैंने एक देची के अंदर पानी लिया है, इसमें मैंने एक टेबल स्पून ऑयल डाला था और ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाल दिया है। और मैं इसमें गाजरें ऐड करूँगी। ये दो गाजरें नॉर्मल मीडियम साइज़ की दो गाजरें हैं, इनको मैंने सर्कल में ही कट कर दिया था। और क्योंकि मैंने गाजरें इसमें इसलिए डाली हैं क्योंकि गाजरें बॉईल होने के बाद बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार, मुझे तो मज़ेदार लगती हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये। और ये एक पैकेट मेरा मैक्रोनी का था, ईज़िली हर शॉप में अवेलेबल होता है, 1 kg का ये पैकेट होता है। ये मैंने इसमें ऐड किया था गाजरों के साथ। हाँ, तो आप गाजरें ज़रूर बॉईल करके मैक्रोनी के साथ आप ट्राई कीजिएगा, बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार हो जाते हैं। जिनके घर में बच्चे हैं वो बच्चे भी फिर इजीली सॉफ्ट सॉफ्ट सी वेजिटेबल्स इजीली च्यू कर लेते हैं। तो अब हम इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। आप देखिएगा कि इसका पानी अभी कितना गाढ़ा हो जाएगा। तो जब भी हम कोई लिक्विड चीज़ बॉईल करें तो उसका ये एक सीक्रेट है कि आप देखिएगा कि जब वो बॉईल होना वो हो जाती है तो पानी उसका गाढ़ा सा हो जाता है। ये देखिए 25 मिनट्स, टोटल 25 मिनट में आपकी मैक्रोनी बॉईल हो जाएगी। तो अब हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। ये हमारी मैक्रोनी बॉईल, मैक्रोनी का फाइनल लुक। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 1। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 पे। हम अपना चिकन का पेस्ट रेडी करते हैं। तो ये एक देची के अंदर मैंने 3 tablespoons ऑयल डाला है और इसके अंदर में मेरे पास 2 chicken breasts थी जिनको मैंने छोटा छोटा कट करके ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हल्की आंच में मैंने इसको अपने मिक्स करना है ताकि, और तब तक मिक्स करना है कि ये चिकन अपना लेग देची को छोड़ दे, वरना ये चिपकी भी होती है इसके साथ अच्छे से। ये देखें चिकन अब इसके साथ ज़्यादा नहीं चिपक रही है, दूर हो चुकी है। तो अब हम इसमें गार्लिक का पेस्ट डालेंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। गार्लिक की खुशबू मुझे बहुत मज़ेदार लगती है। बेसिकली ये चिकन या मीट से मटन वगैरह से स्मेल ख़त्म करने के लिए होता है, बट इसको डालने के बाद कोई भी मीट हो उसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस मुझे ऐसा लगता है कि होती है। तो जी अब हम इसमें सॉसेस डालेंगे। देखिए तेल सेपरेट हो गया था, ये मैंने सोया सॉस डाला है 6 tablespoons और मैं इसके बाद डालूंगी वॉर्चेस्टर सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप सोया और चिली सॉस डाल देना, मेरे पास वॉर्चेस्टर सॉस है। मैंने ये 4 tablespoons डाला था और मैंने इसमें 4 tablespoons ही चिली सॉस डाला है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी, ये पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि चिकन में सारे सॉसेस चिकन में चिकन अच्छे से इसको एब्जॉर्ब करें। अब मैं इसमें डालूंगी लाल कुटी हुई मिर्च, थोड़ा सा देसी तड़का भी हो जाना चाहिए, बट इसमें स्पाइस की बिल्कुल भी टेस्ट नहीं थी क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा डाला था। और ये मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ही मैं सॉल्ट डालूंगी। सॉल्ट आप बाद में टेस्ट कर सकते हैं, अगर कम हुआ तो आप उसको ज़्यादा कर दो, ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा हो गया तो वो कम नहीं हो सकता। तो कम होगा सॉल्ट तो आप उसको बाद में ऐड करके लेबल कर सकते हैं टेस्ट को। ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला था हाफ़ टी स्पून और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चिकन में सारे मसाले स्पाइसेस और सॉसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं। मेरे पास एक ही शिमला मिर्च थी तो वो मैंने एक ग्रीन शिमला मिर्च मीडियम साइज़ की कट करके इसमें डाल दिया था क्योंकि मुझे शिमला मिर्च पसंद है, तो मेरे लिए तो ये एक ही काफ़ी थी, बाकी किसी को इतने शौक से वो खाते नहीं हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी थी तो मैंने ये एक ही शिमला मिर्च कट करके डाल दिया था। अब हम इसको 5 मिनट तक कुक करेंगे लो स्टोव करके, फ्लेम को बिल्कुल लो करेंगे और हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं। जब हम चेक करेंगे तो ये आफ्टर 5 मिनट देखें किस तरह से हमारी चिकन प्रिपेयर हो गई, चिकन ने तेल सेपरेट कर दिया है। अब हम स्टेप नंबर 3 की तरफ चलते हैं, वाइट सॉस प्रिपेयर करते हैं। ये मेरे पास 2 tablespoons मैंने भर भर के बटर 2 tablespoons डाले हैं। अब मैं इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी, थोड़ा सा साथ साथ आप चम्मच भी लाते रहें। और इसके बाद मैं इसमें 2 tablespoons ही मैदा डालूंगी। मैदा 2 tablespoons से ज़्यादा आप 2 cups में 2 tablespoons ही डालें, उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिर सॉस में ना ज़्यादातर आपको मैदे का ही टेस्ट आएगा। ये मैंने आपको अपनी पहले भी एक रेसिपी में बताया था। तो हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, अब हम इसमें 2 tablespoons मैदा ऐड करेंगे। और मैदा ऐड करने के बाद आप जल्दी जल्दी से इसको मिक्स कीजिएगा।
ये हमारा बटर और मैदा मिक्स हो गया। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। दूध भी मैं 2 ही कप डालूंगी। पहले 1 कप डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि इसमें गुठली वगैरह ना बने। आप दोनों कप भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, बट मैं एक एक करके कप डालती हूँ ताकि मुझे होता है कहीं गुठली बन जाए। अगर गुठली बन जाए तो सारा सॉस हमारा ख़राब हो जाता है, लाइक इसमें गुठली नहीं बननी चाहिए। तो मीडियम फ्लेम में आपने इसको बनाना है। ये हमारा 1 कप का देखें रेडी हो गया। अब हम दूसरा कप भी इसमें ऐड कर देंगे। दूसरा कप ऐड करने के बाद आपको और एहतियात से लाइक स्पून को तेज़ तेज़ स्टिर करना है ताकि गुठली बिल्कुल भी ना बने। बस इसका ये जो दूध मैदे के बाद जो दूध डालना होता है, ये स्टेप थोड़ा सा होता है। जो न्यू लोग हैं, जो नया नया शुरू मतलब सॉस बनाते होते हैं, तो जब मैंने भी शुरू में बनाना किया था तो 1-2 बार तो मेरा सॉस ख़राब हो चुका था क्योंकि मैं इतनी स्पीड में मिक्स नहीं कर सकी थी, तो मेरी गुठलियाँ बन चुकी थी सॉस में। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है और मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी 1/2 ही टीस्पून। जो लोग ज़्यादा स्पाइस पसंद करते हैं तो वो 1 टीस्पून पूरा भर के भी ब्लैक पेपर डाल सकते हैं, काली मिर्च। बट हम मेरे घर में लाइक बच्चे इतना ज़्यादा स्पाइस नहीं खा सकते। अच्छा जो जी, ये मैंने क्रीम चीज़ डाली थी, कोई भी कुकिंग क्रीम आप डाल दीजिए। मैंने ये 2 टीस्पून भर भर के डाल दिए थे कुकिंग क्रीम। और इसके बाद आप यकीन करें सॉस बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गया था। हाँ, आप इसमें मोजरेला चीज़ भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप चेडर चीज़ भी डाल सकते हैं। तो हमारा वाइट सॉस रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन का पेस्ट डालेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे। चिकन का पेस्ट डालने के बाद ही सॉस मुझे इतना मज़ेदार लग रहा था, दिल कर रहा था कि मैं इसको ऐसे ही खा लूँ, बट हमें मैक्रोनी भी डालनी थी। तो जी, अब इसके बाद हम अपना मैक्रोनी ऐड कर लेंगे। मैक्रोनी मैंने ऐड कर ली है, तो ये हमारा पास्ता रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, यकीन करें बहुत मतलब बहुत लाइट सी और बहुत ही मज़ेदार पास्ता बना था। मुझे तो बहुत मज़े का लगा था और घर वालों ने भी बहुत शौक से खाया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।